बीती पंचवर्षीय में चुने गए जनप्रतिनिधियों ने लगभग 7 वर्ष तक पद में रहे इस दौरान जमकर भ्रष्टाचार किया। अब जबकि नए सरपंचों ने पदभार ग्रहण कर लिया, इसके बावजूद भ्रष्टाचारी प्रभार देने के लिए राजी नहीं है। मामला रीवा जनपद पंचायत के गढ़वा ग्राम पंचायत का है, जहां के सरपंच पर गंभीर अनियमितता के आरोप लगे हैं। बताया जाता है कि बिना काम कराए ही लाखों का भुगतान किया गया, अब नव निर्वाचित सरपंच को प्रभार नहीं दिया जा रहा है, जिसकी शिकायत जनपद पंचायत के अधिकारी से लेकर जिला पंचायत कलेक्टर तक की गई, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। आइए दिखाते हैं किस तरह से भ्रष्टाचार किया गया और पूर्व के साथ साथ नव नियुक्त सरपंच और लोगों का क्या कहना है। हमारे ग्राम पंचायत गढ़वा के अंदर पुराने सरपंच के द्वारा बहुत सारा घोटाला किया गया है। ऐसे बहुत सारे काम है जिन कामों को उसके जमीन पर नहीं किया और उसका पैसा अहरित कर लिया गया है, और जिन कामों को किया उसकी क्वालिटी इतनी खराब है कि आदमी के चलने से पूरी रोड सब उखड़ गई है। दूसरी बात, अभी जो चुनाव हुआ है उस सरपंच को उसने अभी तक कोई अपना कारभार ही नहीं सौंपा है। अब वो कहता है कि वो हमने कारभार जनपद पंचायत में जमा कर दिया है। हम लोग जब जिला पंचायत कलेक्टर साहब और जनपद सीईओ से मुलाकात की तो उसके बाद भी आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, और ना कोई वो हुआ। सरपंच सेक्रेटरी मीटिंग, एक मीटिंग आज तक ने 3 महीने के अंदर कराया। लगभग 22 सितंबर को चुनाव हुआ था, चुनाव होने के बाद ना जब कारभार ही नहीं मिला तो फिर चुनाव का क्या मतलब निकला, जब पुराना सरपंच ही आज भी काम कर रहा है। नाली निर्माण अभी पेपर ब्लॉक स्कूल के अंदर बिछाया है, अब कहता कि मैंने जो पैसा पुराना निकाला उसका काम तो मैं ही करूंगा। भाई ऐसा कौन सा कानून है कि मतलब अगर पुराना सरपंच एक बार हो जाए और वो हमेशा काम करता रहे फिर नए सरपंच की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, चुनाव ही नहीं होना चाहिए। अब जब चुनाव हुआ है तो पुराने सरपंच को कारभार नए सरपंच को दे देना चाहिए, लेकिन आज तक कारभार नहीं दिया, जबकि प्रशासन के सारे अधिकारियों से हम लोग ने ज्ञापन सौंपा है, मुलाकात करके दिया है, बातचीत भी, पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। हमारा नाम है राम भाई, और जो इसको सरपंच चुना गया है तो इसका कुछ भी नहीं मिला है, इसको कुछ भी कार्रवाई नहीं, कहाँ से करेगी। तो इसको चुनकर तो सरपंच बना दिए हैं, अब इनका कुछ भी आगे का कहाँ से कार्यक्रम करें, कुछ भी नहीं हो रहा है। वहाँ सिवराज मामा जहाँ तो बहन बोलाएं कि बहन आई हमारी पंचन के पे एक नहीं लिहाजा ले रहे, एक नहीं ध्यान दे रहे कुछ भी का, मने कहाँ से आगे क्या करेगा। तो हमें वाले चुनाव में फिर मैं लोग पब्लिक नहीं ध्यान देगी, तो कुछ भी करेंगी तो फिर पब्लिक ध्यान नहीं देंगी, बहनी भटक रही। अब यहाँ की बहनी जितनी है तो बहन बना दिए हैं, पर भटक रही कोई इधर वो सरपंच बना दिए बिचारी को, बहन को बिचारी भटक रही है, वो भी भटक रही है, सगली पब्लिक भटक रही है उनके पीछे। तो इससे क्यों कार्रवाई कर रहे हैं, ना किसी का आवास मिल रहा, ना किसी का यहाँ पेंशन मिल रही, जिनका मिला तिनका जिनके बड़े बड़े लोग हैं तो उनको पेंशन मिल रहा है, आवास मिल रहा है, गरीब लोग हैं भाग रहे हैं, उनको कुछ भी नहीं मिल रहा। यहाँ के जो पूर्व सरपंच थे क्या नाम था माता जी उनका? रमाकांत तिवारी। उनको उन्हें हम 5 बार आपके पेंशन को 5 बार दिए थे उनको फार्म, लेकिन एक बार तक हमारा पेंशन नहीं बन पा। 72-73 साल के हैं हमारे आदमी, लेकिन आज तक पेंशन नहीं बना उनका, ना हमारा भी बन रहा। हम आज 62 साल के हम भी हो गए तो ना हमारा बना हुआ है, तो इसलिए इस सरपंच से कह रहे हैं कि होगा बन जाएगा। क्या बोल रहे हैं कि अपना गरीबी रेखा में पहले नाम जुड़ाओ, तब गरीबी रेखा नहीं नाम जुड़ रहा था, जुड़ा रहा पहले बार तो फिर कटा दिए, अब नहीं जुड़ रहा, तब पाते जब पेंशन बनेगा, जब गरीबी रेखा में आपका नाम जुड़ेगा तो बन तब भी ना बनेगा, आज तक नहीं कोई चार्ज मिला। ग्राम गढ़वा के हम निवासी, मैं ग्राम पंचायत के बारे में पूरी जो भी ग्राम पंचायत में कमियां हुई हैं, इस कमियों को हमने कलेक्टर साहब को भी वहां दिया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। नवनिर्वाचित राजकुमारी साकेत जी को अभी तक कोई पंचायत के तरफ से कोई चार्ज पत्र नहीं दिया गया है, जो भी कार्य होना है वो प्रभावित हो रहे हैं कार्य। अब शिवराज सिंह हो और हमारे मोदी जी तो बहुत बड़ी बड़ी आशाएं लेके आते हैं कि हम जनता के लिए ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, हमारी जनता सुखी है, लेकिन ग्राउंड में धरातल में यहाँ आकर देखा जाए तो 0 दिखाई देता हर काम। ग्राम पंचायत का इतना मतलब भ्रष्ट काम हुआ है कि जिसकी कोई सीमा नहीं, कहा नहीं जा सकता। धरातल में ग्राउंड में आज भी कोई भी आए जाँच करता तो आज भी दिखाई दे रहा है उसका भ्रष्टाचार का कार्य का जो भी है।
यही मैं कहना चाहता हूँ। जो भी हमारे मीडिया बंधु हैं उनसे हमारा निवेदन है कि जहाँ भी जितना भी ज़्यादा से ज़्यादा हो तो इसको चैनल में प्रसारित करें, और नहीं तो हम आने वाले समय में हम कलेक्टर साहब को धरना देकर और घेराव करेंगे। पंचायत भवन या ग्राम पंचायत के अंदर आज जो वर्तमान सरपंच है कहीं गंदगी है, सफाई करवानी है, नाली को, कोई भी पंचायत का कार्य करना है वो उनकी जिम्मेदारी है, ना कि पूर्व सरपंच की। अब मैं पूर्व सरपंच हूँ, वो वर्तमान है, वर्तमान में जो भी काम है उनको ही करना पड़ेगा। अच्छा, जैसा कि मैं जा करके वहाँ देखा तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि वहाँ लग रहा है कि 6 से 7 महीने 8 महीने तक से कोई सफाई नहीं हुई। आपको कुछ बहुत पुराने शौचालय विद्यालय है और शौचालय बने हुए हैं, उन शौचालय को आपने देखा होगा जो जिनमें दरवाजे नहीं हैं और वो खंडहर टाइप में पड़े हैं, उनको आपने देखा होगा। एक शौचालय जो चालू हालत में है आज भी उसकी कंडीशन, उसमें मास्टर के पास चाबी है और वो रखते हैं, वो तालाबंद आपको भी दिखा होगा और वो ठीक ठाक। अच्छा, एक बात और आपसे जानना है कि क्या आपके पंचायत में पंचायत भवन निर्माण के लिए कहीं स्कूल के अलावा अलग से जो स्थान नहीं मिला था क्या? जी नहीं, हमारे यहाँ ग्राम पंचायत भवन नहीं है, स्कूल पूरे परिसर में ही स्कूल ही है, वही एक गांव के बीच में है, वो कुछ नंबर उसमें अलग अलग। वरिष्ठ अधिकारी उसकी इसकी सूचना है क्या? किसकी? कि आपके यहाँ पंचायत भवन नहीं है? बिल्कुल, हमने अपने समय में यहाँ से लेके जनपद, जिला और भोपाल तक के लिए चिट्ठी लिखा है, और जितने भी कार्य योजना बनी है लगभग पंचायत भवन का, सामुदायिक भवन का और स्वास्थ्य उप स्वास्थ्य केंद्र के लिए हमने हर उसमें जिक्र किया है, और हर प्रस्ताव में हमारे ये चीज़ गए हैं, ये हमारी प्राथमिकता में रहे हैं। क्योंकि हमारा दुर्भाग्य है कि हमें उसका मौका नहीं मिला, हमें उसका राशि नहीं मिला कि हम पंचायत भवन का निर्माण करवा सकें। आज जो नवनिर्वाचित सरपंच हैं वो सरपंच नहीं है, वो उनके और भी देवर हैं और उनके गांव के कुछ लोग हैं जो कि वार्ड मेंबर भी नहीं है, उनके द्वारा ये सब कूट रचित बातें रची जा रही और पंचायत को विवादित बना के और मजबूरी में उनको सरपंच बनाया गया है, और उन्हीं के लोग उनको चाहते हैं कि वो कुछ काम ना कर पाएं। जितना ये इस काम में लगी है उतना अगर किसी काम का प्रस्ताव लेके जाती और वो कोई काम करती तो हो सकता है कोई कुछ काम कर पाती। एक बार मैं अपने दर्शकों को आपका नाम जानना चाहता हूँ। मेरा नाम रमाकांत तिवारी है, मैं पूर्व सरपंच हूँ, मैं ग्राम पंचायत का रहने वाला हूँ गढ़वा का। हेलो, हम राजकुमारी सरपंच बने हैं ग्राम पंचायत गढ़वा में, हमें सरपंच बना दिया गया है लेकिन चार्ज पात कुछ नहीं मिला है, यहाँ पुराने सरपंच कुछ नहीं दिए हैं जी, सिर्फ हमें सरपंची चुनाव जीतने का प्रमाण पत्र बस मिला हुआ है। यहाँ का पंचायत का यहाँ का ताला बंद हुआ है, यहाँ पंचायत में कोई ही अधिकार नहीं है। अच्छा, इसकी शिकायत आपने कहीं किया था मैडम? किसी को सूचना साहब के यहाँ किया था। अच्छा, मतलब आपका कहने का मतलब है कि यहाँ अभी तक आपको चार्ज नहीं दिया गया? चार्ज नहीं दिया गया। क्या कहा जाता है आपको सरपंच के द्वारा, पूर्व सरपंच के द्वारा? पूर्व सरपंच कहते हैं कि हम सब वहाँ दे आए हैं जनपद पंचायत में। अभी आपने यहाँ अभी कोई भी नए कार्य नहीं किए, आपको कुछ भी नहीं हुआ? कार्य कहाँ से करें जब कुछ मिला ही नहीं है तो। क्या नाम है आपका? राजकुमारी साकेत।